हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए देख लेते हैं कि आज के टास्क में आज आपको क्या कवर करना है। आज आपको दोस्तों विदाउट फेस के ही यहाँ पर लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं है, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। हम उसी तरह से आपको सारी चीजें बताएंगे। ओके, तो आज आपको देखिए आपकी तैयारी का 24वां दिन देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको 1 अगस्त देखने को मिलेगी। तो 1 अगस्त है, तो आज आपको क्या पढ़ना है? तो आपको ज्योग्राफी एनसीईआरटी 11th का, जिसका नाम है इंडियन ज्योग्राफी, इसके आपको केवल लेसन नंबर आपको 7 पढ़ना है, क्योंकि ये लास्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए एक ही लेसन आज आपको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, और अच्छे से पढ़ने के बाद इसके शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों को बनाने, तो आपकी ये वाली एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, और आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक जरूर कर दें। देखिए कुछ दिनों से आप लोग लाइक कम कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता है आप लोगों के लिए। देखिए हम रात में अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी 3:30 या 4 बज रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से थोड़ा सा सहयोग किया करिए, तो आप लोग यहाँ पर लाइक भी कर सकते हैं। और आप लोग इस तरह से बहुत अच्छे से मैपिंग टास्क कवर कर रहे हैं, सेंड करते हैं, काफी अच्छा लगता है। ओके, तो इसी तरह से आप लोगों को मेहनत करते रहना है। और चलिए हम लोग देख लेते हैं कि मैपिंग टास्क क्या है। तो आज का मैपिंग टास्क है वो एशिया की फिजिकल लोकेशन हम लोग आज देखेंगे। जैसे स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले हम लोग नॉर्थ अमेरिका के स्टार्ट किए थे, फिर हम लोग साउथ अमेरिका पे आए थे, फिर हम लोग यूरोप की बहुत सारी लोकेशन देखे, अब यूरोप के बाद हम लोग एशिया की देखेंगे। तो एशिया में आपको पहले फिजिकल मैप की आपको देखनी है। तो देखिए यहाँ पर आपको पहली देखने को मिलेगी कारा सी। तो देखिए किस तरह से आपको सारी लोकेशन आज मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कारा सी, फिर आप लोग इस तरह से टहलते हुए आएंगे, जैसे आप अपनी गलियों में टहलते हैं ना, इस तरह से आपको टहलते हुए आना है, और फिर आपको कुछ लोकेशन इधर भी मिलेंगे। तो इस तरह से अगर आप आएंगे तो आराम से आपको सभी की सभी लोकेशन मिल जाएंगी, कोई समस्या नहीं होगी। जैसे आप गलियों में अपने टहलते हैं, तो गलियों में टहलते क्या ऐसा करते हैं, आधी गली आप गायब होकर चले जाते नहीं, तो आप पूरी ऐसे टहलते हुए आएंगे तो आपको सारी की सारी लोकेशन मिल जाएंगी। तो देखिए पहला आपको कारासी, तो कारासी तो यही देखने को मिलेगा। फिर आपको लेप्टेप्स की आपको देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर दूसरी लोकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर तीसरी है ईस्ट साइबेरियन सी आपको देखने को मिलेगा, तो ये है ईस्ट साइबेरियन सी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी तीसरी लोकेशन। और आपको यहाँ पर चुकोस्की सी, देखिए ये शायद आपके बना दिया रखा हो, तो वो आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगी, ईस्ट साइबेरियन के पास में ही, आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर आपके में ना हो तो। ओके, फिर आपको देखिए यहाँ पर ओक्टोपस आपको देखने को मिलेगा, तो ये देखिए आप लोग यहाँ पर सर्च करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए इस तरह से आप लोग आएंगे ना, बेरिंग सी से होते हुए आप आएंगे जैसे आगे, तो आपको ये वाला जो देखने को मिलेगा वही ये लोकेशन है। फिर आप लोग जापान सी में आ जाएंगे, फिर आप येल्लो सी में आ जाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको जापान सी देखने को मिलेगा, फिर येल्लो सी देखने को मिलेगा, और देखिए येल्लो सी में ही आपको पोही की खाड़ी देखने को मिलेगी, एक गल्फ है, हो सकता है आपके में ना हो। तो देखिए येल्लो सी है ना, तो देखिए यहाँ पर आपको ये खाड़ी टाइप का ये दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, तो इसी को बोलते हैं पोही, या फिर इसको वो ही भी बोलते हैं, कई नामों से इसको जाना जाता है, इसलिए हमने दोनों नाम लिख दिए हैं यहाँ पर। ओके, इस तरह से। और चलिए हम लोग देख लेते हैं, फिर आपको देखिए ईस्ट चाइना सी है वो आपको देखने को मिलेगा, फिर साउथ चाइना सी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए दो खाड़ी आपको देखने को मिलेगी, एक तो थाईलैंड की खाड़ी है और साथ में आपको टोंकिंग की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो उसके बाद में आपको सोलू सी देखने को मिलेगा, और सोलू सी के बाद में आप लोग थोड़ा सा आएंगे, फिर आपको सिलेवेसी सी देखने को मिलेगा। देखिए इधर आप लोग ये वाली लोकेशन है ना, वो इधर आपको देखने को मिलेगी, इस तरह से सारी लोकेशन। फिर आपको देखिए बंदा सी देखने को मिलेगा, जावा सी देखने को मिलेगा, और फिर आपको फ्लोरेस सी आपको देखने को मिलेगा, ये सारी लोकेशन आपको इस तरफ मिल जाएंगे यहाँ पर। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको लिखना है लगभग 150 से 200 शब्दों में लिखना है, तो आप लोगों को जैसा बताया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन है बहुत सिंपल, आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा आज कठिन क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए जिस समय हम भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को शान से प्रदर्शित करते हैं, मतलब इसमें बताया गया जैसे कि भारत वो बताता है हमारी जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है, और उसमें भी युवा जनसंख्या है वो हमारी सबसे ज्यादा है। तो देखिए वो इस तरह से जनसांख्यिकीय लाभांश को शानदार से प्रदर्शित करता है, उसी समय हम रोजगार योग्यता की पतनशील दरों को नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब आप दूसरी तरफ देखेंगे कि हमारी जनसंख्या भी तीव्र गति से बढ़ रही, तो हम युवा देश एक तरह से हम श्रेणी में आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे जो रोजगार योग्यता की जो पतन दर है उसको हम इसमें नजरअंदाज कर देते हैं, इसको ध्यान में नहीं रखते हैं। तो क्या हम ऐसा करने में कोई चूक कर रहे हैं? भारत को जिन लोगों की बेसब्री से दरकरार है, वे जॉब कहाँ से आएंगे, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें पूछा गया है, देखिए अगर हम इस तरह की चीजें करते हैं और इस तरह से जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है, तो आखिर हम जॉब कहाँ से लेकर के आएंगे?
तो वो आपको लिखना है। काफी सिंपल क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप लोग अच्छे से लिखिएगा। और फिर आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको देखने को मिलेगा, भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए जेंडर बजटिंग अनिवार्य है। और आपको ये बताना है कि भारतीय प्रसंग में जेंडर बजटिंग की क्या आवश्यकताएं एवं स्थिति है, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो आप लोग के लिए 2 क्वेश्चन है जो आज लिखने के लिए दिए जा रहे हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फॉर्म फिल करके क्लब को ज्वाइन नहीं किया है, वो क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगे। इस फ्री ऑफ कॉस्ट जो बैच आपको लॉन्च किए हैं, 1 3 बजे क्लास चलती है और 1 6 बजे क्लास चलती है। ओके, आज का लेक्चर यहाँ फिनिश करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर आज सारी चीजें क्यों नहीं बता रहे, लास्ट में तो इसमें बहुत लंबा लेक्चर देते हैं सारी चीजें, तो इसलिए नहीं बता रहे, क्योंकि आज हम अपने लैपटॉप को जूम मीटिंग लिए थे, तो उसमें सेटिंग करने की वजह से हम सारा सामान इधर उधर कर दिए हैं, तो इस वजह से कैमरा हमारा नीचे ही रह गया है, तो इस वजह से आपको इसी तरह से पढ़ा रहे हैं। और हमारा पेन टैब भी नीचे रह गया, पेन टैब और कैमरा नीचे होने की वजह से आपको इस यहाँ से ही पढ़ा रहे हैं, तो माउस से तो ज्यादा चीजें नहीं लिख पाते हैं।